हाय, वेलकम टू अवर चैनल। आज मार्केट क्लोजली लगभग 2% से नीचे डाउन हुआ, लगभग 2% आप बोल सकते हैं। निफ्टी बैंक 1% से डाउन रहा, निफ्टी 51.9 और अप्रॉक्स 2% रहा, और सेंसेक्स लगभग भी 2% से ही डाउन रहा। अगर निफ्टी में अगर पॉइंट्स की बात करें तो 346 पॉइंट रहा और बैंक निफ्टी में 432 पॉइंट रहा। अगर बाकी का हम अगर ग्लो देख लेते हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशो आर क्या रहा है, तो एडवांस डिक्लाइन रेशो अगर देखेंगे तो आज मैसिव फॉल आया। आज 1600 अप्रॉक्स 1700 स्टॉक मान के चलिए नीचे की तरफ जा रहे थे, तो 294 स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे थे। अगर हम स्टॉक्स में बात कर लें, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से थे आज के, तो इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, ये सब हमारे आज मोस्ट एक्टिव स्टॉक थे। अगर टॉप गेनर्स की बात कर लें तो हम इंडसइंड बैंक और सिप्ला आज टॉप गेनर में थे। इंडसइंड बैंक लगभग आज मंदी के टाइम पर अच्छा चला, 2.6% की रहा, तो सिप्ला लगभग मान सकते हैं 1% पर रहा। अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं IT स्टॉक्स, तो आज IT सेक्टर तो आप मान के चलिए लगभग 4% से डाउन रहा, 3.7 या 8% से डाउन रहा। और अगर वैसे देख लेते हैं टाटा कॉन्स और इन्फोसिस, UPL, ये सारे आप देख रहे हैं टॉप लूजर्स में है। और UPL देख सकते हैं आप, UPL और टाटा कॉन्स 5-5% से डाउन है। तो आज मैसिव गिरावट, आज मंदी देखने को मिली है, आज मार्केट को थोड़ा स्ट्रेस रहा। अगर आज FIDI के डेटा की बात कर लें तो इस मंथ की अगर मैं बात करूं, आपको मैं दिखा देता हूं, इस मंथ पे अगर 1 सितंबर से 1 सितंबर से अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FI और DI का डेटा। तो FI ने टोटल अभी तक परचेसिंग की इस मंथ में 5176, इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर दिखता है। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार दो दिन 14-15 सितंबर में FI ने सेलिंग ही की है, और आज का डेटा भी आना बाकी है, आज के टाइम पर भी सेलिंग की होगा। वहीं DI देखते हैं आप, DI भी लगभग यहाँ पर 14 में देख लेते हैं, कभी थोड़ा सा वहीं की, लेकिन यहाँ भी सेलिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि है क्या कि मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो रिटेलर पैसा निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड से, तो इस वजह से हो क्या रहा है कि मार्केट में FII की तो कर ही रहे हैं सेल, साथ में DII भी सेल कर रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। अगर हम निफ्टी में बात करें, अगर निफ्टी का देखेगा, मैंने बताया आपको 350 पॉइंट लगभग नीचे रहा निफ्टी 17530 के लेवल पे। अगर हम निफ्टी के डाउन साइड के लेवल पे, वैसे तो लोगों ने सोचा नहीं था कि आज 17600 बहुत बड़ा हर्डल था, लेकिन निफ्टी ने 17600 के हर्डल को पार कर दिया। अब अगर नीचे की साइड पर देखें तो 17400-17450 सपोर्ट ले जाएगा, कोई इतना मार्केट नहीं। लेकिन ऊपर की तरफ जाए तो अभी भी निफ्टी 18000 के रेजिस्टेंस पे बार बार जाके वहाँ से लौट रहा है, तो 18000 का रेजिस्टेंस अभी भी काम करेगा निफ्टी 50 पर। तो लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट देख के लगता है कि मार्केट दिवाली तक 18000 के लेवल को आप अप्रॉक्स आराम से पार कर जाएगा, क्योंकि ये मार्केट एक गिमिक है अभी के। मार्केट में पैनिक होने की इतने कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं आया। क्योंकि आज अभी मैंने देखा था IMF की तरफ से आज न्यूज़ भी आया था, IMF की तरफ से न्यूज़ आया था कि जो ग्लोबल इकोनॉमी होगी वो लगभग पहले बताया था उन्होंने कि 3% से अप जाएगा, लेकिन अब बताया कि लगभग 2.9% में 2023 में जाएगा। लेकिन इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, हाँ लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म में पड़ सकता है इसका इम्पैक्ट, तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। और बाकी का थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं, क्या यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा। अगर हम आज न्यूज़ की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन स्ट्रेस नीड टू बाइडन पूल ऑफ वोमेन डायरेक्टर्स, ये भी देख सकते हैं, कोई इतना खास है हाँ। लेकिन एक सबसे अच्छा डेवलपमेंट हुआ है वो रुपीस का हुआ है, आप देख सकते हैं, अच्छा तो नहीं हुआ है, लेकिन आप डॉलर को देख सकते हैं, आज डॉलर ने तो भाई क्या ही बोले, 80 रुपये पर पहुँच गया है। अब इंडिया का हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो अब पता है कि सारी पेमेंट डॉलर में होती है, तो हम लोगों को और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये क्रूड ऑयल की जो पेमेंट है अब और ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स और बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी इकनॉमी गिरेगी, ठीक है, और हमारा ऑल ओवर हमारा नेट रेवेन्यू इकोनॉमी का गिरेगा, और जिससे होगा क्या कि ऑल ओवर हमारे मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा। अब आप देख लेते हैं पौंड का, देख लेते हैं पौंड अभी 91 चल रहा है, जैपनीज येन देख लो 55 चल रहा है, यूरो 80 चल रहा है। आप देख रहे, एक टाइम ऐसे हुआ करता था यूरो लगभग 90 के पास रहता था, 80-90 रहता था, और डॉलर उससे थोड़ा कम रहता, लेकिन आज देख रहे हैं यूरो और डॉलर लगभग बराबर आ चुके हैं। गोल्ड के प्राइस देख लेते हैं, लगभग 49,000 एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, और सिल्वर वगैरह, सिल्वर भी वही चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा, अगर हम आज यहाँ पर एक आपको एक दिखा देते हैं, एक डेवलपमेंट, ये आज क्वेश्चन जो आया था, व्हाई आई म्यूचुअल फंड बाइंग हैविली इंटू द एक्सपेंसिव ऑटो एंसिलरी। तो आपने देखा होगा कि ऑटो सेक्टर में आप काफ़ी टाइम से अभी देखा, क्योंकि दिवाली आने वाली है, देखो मार्केट न्यूज को पहले से ही फैक्टर इन कर लेता है, क्योंकि दिवाली आने वाली है, पता है कि ऑटो सेक्टर में
थोड़ी बिकवाली होगी, तो वो मार्केट अभी से ही उस चीज़ को, न्यूज़ को फैक्टर इन कर रहा है। बाद में पता चलेगा दिवाली के टाइम में जब रिजल्ट आएंगे दिवाली के बाद, तब लोग बाइंग करेंगे, बाद में मार्केट क्रैश, बाद में वो स्टॉक नीचे चला जाएगा। तो अभी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक थोड़ा सा, यहाँ एक और न्यूज़ एक आया था यहाँ पर, ये आपको मैं दिखा दूँ, SBI का था। SBI अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बेंचमार्क क्रॉस कर गया है। तो अभी मार्केट में इतना ही, अभी मैं एक स्टॉक रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए।